बताया क्या कहा था, जितनी भी मखसूस की चीजें उनको क्या करना, उनको जला देना। गैर कौमों के लिए जो इस्तेमाल मखसूस की चीजें, जो उनकी इबादत कौम के लिए, उनके जादू के लिए मखसूस की चीजें, उनको सबको जला देना। लेकिन एक शख्स ने क्या किया है, उसने कुछ मखसूस की चीजें जो है वो चुरा ली। और वो चीजें क्या थी, उसने बाबल की एक नफीस चादर, 200 मस्काल चांदी और 50 मस्काल सोने की एक ईंट, तीन चीजें उसने जो है जो कि उसकी नजर में बड़ी कीमती थी, उसने कहा कि ये कीमती चीजें कम से कम इसको तो मैं ले लूं। तो उसने उन तमाम चीजों को, उसने जब वो हमला कर रहे थे, उसने किसी जगह पे वो देखी और उसने वो तीनों चीजें ले ली और अपने डेरे में आकर उसको दबा दिया, अपने खैमा के अंदर उसको दबा दिया। उसके बाद ये लोगों ने जीत लिया, यरूशलम को इन्होंने जीत लिया, सब कुछ हो गया। और उसके बाद यरूशलम से एक छोटा सा शहर ऐत था, जो कि बैतल की मशरक़ की सिमत में बैत अवन के करीब था। तो यशुआ ने वहां पे कुछ लोग भेजे, उसने कहा कि जाकर पता करके आओ कि वो शहर कैसा है, हम लोग उस पर अभी हमला करेंगे। और वहां पे कुछ लोग भेजे गए और उन्होंने आकर कहा कि ये छोटा सा एक शहर है, थोड़े से वहां पे लोग हैं, हमें ज्यादा लोग भेजने की जरूरत नहीं है, हम वहां सिर्फ 2-3 हजार जो है मर्द अगर चढ़ जाएंगे वहां पे, तो ऐ को जो है हम जीत कर आ जाएंगे, उसको मार कर आ जाएंगे। और उन्होंने वहां पे 3 हजार आदमी जो है वो सिर्फ भेजे, छोटी सी जगह है, 3 हजार हम वहां पे भेजेंगे तो वहां पे उनको मार मूर के सब फतह करके आ जाएंगे। लेकिन पांचवीं आयत में लिखा है, चौथी आयत में, चुनाचे लोगों में से 3 हजार मर्द के करीब वहां चढ़ गए और ऐ के लोगों के सामने से भाग गए, और ऐ के लोगों ने उनमें से कोई 36 आदमी मार लिए और फाटक के सामने से लेकर शबरीम तक उनको खदेड़ते आए और उतार पर उनको मारा, सो इन लोगों के दिल पिघल कर पानी की तरह। अब ये वही लोग हैं जिन्होंने यरूशलम को फतह किया था और एक छोटे से गांव से हार के आ गए, 36 आदमी उन्होंने उसके मार दिए। अब इनको समझ नहीं आ रही है कि ये क्यों हुआ है, क्यों मार गए, इसका सबब क्या है। और यशुआ जो है उसने और उसके साथ इसराइली बुजुर्ग जितने थे, उन्होंने अपने कपड़े फाड़े और अहद के संदूक के आगे शाम तक जमीन पर औंधे पड़े रहे और खुदा से पूछते रहे कि हमारे साथ ये क्यों हुआ है, क्यों हुआ है। खुदा ने क्या जवाब दिया, दसवीं आयत में लिखा है, और खुदावंद ने यशु से कहा, उठ खड़ा हो, तू क्यों इस तरह औंधा पड़ा है, इसराइलियों ने गुनाह किया और उन्होंने उस अहद को जिसका मैंने उनको हुक्म दिया था तोड़ा है, उन्होंने मखसूस की चीजों में से कुछ ले भी लिया और चोरी भी की और रियाकारी भी की और अपने सबाब में उसे मिला भी लिया है। बारहवीं आयत में लिखा है, इसलिए बनी इसराइल अपने दुश्मनों के आगे ठहर नहीं सकते, वो अपने दुश्मनों के आगे पीठ फेरते हैं क्योंकि वो मालाउन हो गए। मैं आगे को तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा जब तक तुम मखसूस की चीज को अपने दरमियान से निस्त ना कर दो। खुदा ने कहा कि तुम्हारे हारने का सबब यह है कि मैंने तुमको कहा था कि कोई मखसूस चीज अपने घर में ना लेकर आना, और तुम में से एक शख्स जो है वो अपने घर में मखसूस चीज लेकर आया है और मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं, जब तक तुम उसको नहीं निकालोगे मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं और ना मैं तुम्हारा खुदा। अब थोड़ी देर के लिए सोचें कि एक शख्स की गलती की वजह से, गलती किसने की, एक शख्स ने, लेकिन भुगत कौन रहा है, पूरी बनी इसराइल कौन भुगत रही है उसको। या कलीसिया में ऐसा नहीं हो सकता कि एक शख्स जो है उसकी गलती की वजह से पूरी कलीसिया जो है वो भुगतेगी। तो आप देख सकते हैं कि एक मखसूस की चीज का कितना कितना बड़ा, खुदा ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं ना मैं तुम्हारे दरमियान हूं जब तक तुम उसको बाहर नहीं निकालोगे उस चीज को। और उन्होंने कुर्रा डाला, कुर्रा डालते 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 जो है आखिरकार वो शख्स जो है वो पकड़ा गया। और आप जानते हैं कि उसके साथ क्या सलूक किया गया, पढ़े जी 25वीं आयत पढ़े, और यीशुआ ने कहा कि तूने हमको क्यों दुख दिया, खुदावंद आज के दिन तुझे दुख देगा। तब सब इसराइलियों ने उसे संसार किया और उन्होंने उनको आग में जलाया, उनको पत्थरों से मारा और उन्होंने उसके ऊपर पत्थरों का एक बड़ा ढेर लगा दिया
जो आज तक है। तब खुदावंद अपने कहरे शदीद से बाज आया, इसलिए उस जगह का नाम आज तक वादी अकूर है। देखिए क्या सजा क्या थी उसकी, जब तक वह संसार नहीं कर दिया गया उसके बाद देखा कि तब खुदावंद अपने कहरे शदीद से बाज आया। हम बाज़ुकात बाइबल में पुराने अहदनामे में खुदा को बड़ा एक गजबनाक खुदा देखते हैं और नए अहदनामे में आकर खुदा मोहब्बत है, खुदा मोहब्बत है, खुदा मोहब्बत ऐसे कहते हैं ना, खुदा मोहब्बत है, लेकिन खुदा जो है वो साथ में ये भी चाहता है कि हम उसकी फरमा बरदारी करें। ये नहीं कि खुदा मोहब्बत है और हम जो मर्जी करते फिरें। खुदा जो है उसने हमारे लिए कुछ चीजें ठहराई हैं और वो तमाम चीजें इस बाइबल के अंदर मौजूद हैं। हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, हम जब कहते हैं कि हम खुदा के हुक्मों पर अमल कर रहे हैं तो हमारी नजर में सिर्फ दो तीन चीजें होती हैं, खुदा के चर्च में आना, दुआ करना, ये सारी चीजें हुक्म है उसके, तो बाकी ये हुक्म नहीं है उसके, बाकी उसके हुक्म नहीं है। ये सारी किताब जो है ये उसके अहकाम से भरी पड़ी है कि हमें कौन सी चीज करनी है और कौन सी नहीं करनी है। तो याद रखें कि मखसूस की चीज जो है वो आपको खुदा से जुदा कर देती है, खुदा से अलहदा कर देती है। और फिर अगर खुदा जो है वो आपके साथ नहीं है तो आपकी हर चीज, आपकी रोटी पानी कारोबार बिजनेस हर चीज जो है वो तबाह हो जाएगी। क्यों? क्योंकि खुदा आपके साथ नहीं है। आप खुदा के बेटे और बेटियां हैं, सब कुछ है, खुदा ने आपको बरकत दी रखी है, लेकिन फिर भी अगर हम गलत काम करते हैं और कोई ऐसी चीज जो मखसूस की चीज हो, मखसूस की चीज से क्या मुराद है, हर वो चीज जो जादू के काम में इस्तेमाल की जाती है, हर वो चीज जो फूंकी गई है उसके ऊपर, कोई अंगूठी हो, कुछ चीज अपने घर में ले आए, रुमाल ले आए, धागा ले आए, कुछ ले आए, तवीज ले आए और उसको लाकर अपने घर में रखें। कई लोग जो है वो तवीज घोल कर भी पानी में पी जाते हैं, अब उसका क्या हल होगा? तो बहुत सारी ये प्रॉब्लम्स हैं जो कि मसीह लोग करते हैं और उनके लिए मुश्किलात का बायस है। आज हजारों के हिसाब से लोग जो है वो मुसीबतों में है, वो उनकी जिंदगी अंदर से प्रॉब्लम खत्म नहीं होती है। हमारा ये जो मैसेज है ये इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपको कोई इंफॉर्मेशन देना है, ये आपको बताना है, बल्कि इसलिए कि हम मसीह लोग जो है वो किस तरह से एक फतेहमंद जिंदगी गुजार सकते हैं, किस तरह से हम खुदा के हुक्मों पर अमल करके बरकत पा सकते हैं। हमें बरकत का वारिस होने के लिए ठहराया गया है, हमें लानतों के लिए नहीं ठहराया गया है। खुदा जो है वो हम कहते हैं जी हमने निजात पाई है और खुदा ने हमारे तमाम जितने भी गुनाह हैं उनको मिटा दिया है, बिल्कुल सच है, और वो फिर कभी याद भी नहीं करता उनको, मिटा देता उनको। लेकिन अगर इसके बाद भी हम कोई ना कोई उल्टा काम करेंगे तो खुदा क्या करेगा? खुदा तो कुछ नहीं कर सकता फिर। खुदा के कलाम मिलेगा अगर हम जानबूझकर गुनाह करें तो फिर और कोई कुर्बानी बाकी नहीं रही है, इसीलिए क्या ना, फिर क्या करेंगे हम, कुर्बानी उसके लिए नहीं है, फिर उसके लिए क्या बाकी है? गजबनाक हौलनाक आग जो है उसके लिए पड़ी हुई है। तो हमें किस चीज की जरूरत है कि हम जब एक दफा खुदा के पीछे लग जाते हैं, खुदा के कलाम को हम सुनना शुरू करते हैं, पाक रूह के हम मजे लेते हैं और आइंद आने वाली चीजों का हमें पता चलता है, अगर उसके बावजूद भी हम अगर वापस चले जाएं तो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मेरे साथ देखिए इब्रानियों का खत, उसका छठा बाब, पढ़े जी उसकी चौथी आयत। क्योंकि जिन लोगों के दिल एक बार रोशन हो गए और वो आसमानी बख्शिश का मजा चख चुके और रूह कुदस में शरीक हो गए और खुदा के उम्दा कलाम और आइंदा जहान की कुवतों का जायका ले चुके। वो लोग हैं जो के ईमानदार लोग हैं, खुदा के कलाम के का जायका उनको पता है, आइंदा आने वाली चीजों का उनको पता है, पाक रूह की कुवतों का उनको पता है। अगर हो जाए तो उन्हें तौबा के लिए फिर नया बनाना नामुमकिन है, इसलिए कि वो खुदा के बेटे को अपनी तरफ से दोबारा मसलूब करके एलानिया जलील करते हैं। जी, ऐसे लोग अगर वो जादूगरों के पास जाना शुरू कर दें, अगर वो लोग दूसरी चीजों पर ईमान रखना शुरू कर दें कि जी फलां जो है वो काम ठीक कर सकता है, फलां काम हुए और जादू की चीजों के साथ उनका तल्लुक हो जाए, तो ऐसे लोगों को बाइबल कहती है कि उनको नया बनाना नामुमकिन है, क्योंकि वो क्या करते हैं, खुदा के बेटे को एलानिया जलील करते हैं कि उसने उनके लिए जान दी, सब कुछ किया और उस सब को छोड़कर उन्होंने वापस जो है वो इबलीसी कुवतों की तरफ चले गए। आगे पढ़े जी। क्योंकि जो जमीन उस बारिश का पानी पी लेती है जो उस पर बार बार होती है और उनके लिए कारामद सब्जी पैदा करती है,
जिनकी तरफ से उसकी काश्त भी होती है वो खुदा की तरफ से बरकत पाती है। जब एकदम हम खुदा यीशु मसीह के कलाम को सुनते हैं, ईमान लेकर आते हैं, तो हम पर खुदा जो है वो बारिश बरसाता है बरकत की, जिससे हमारी जिंदगी के अंदर बरकत आती है, चीजें पैदा होती हैं, और बार बार खुदा जो है हमें बरकत पे बरकत देता जाता है। लेकिन आगे आड़ियां और ऊंट कटारे उगाती है तो नामकबूल और करीब है कि लानती हो और उसका अंजाम जलाया जाना है। और अगर झाड़ियां और ऊंट कटारे से क्या मुराद है कि अगर वो वापस बुरे काम करते हैं तो करीब है कि वो लानती हो और उसका अंजाम जलाया जाना है। तो खुदा जो है वो नहीं चाहता कि हम किसी भी तरह से इसी कामों की तरफ जाएं, इसी काम करें। खुदा के नजदीक ये तमाम चीजें जो है ये मकरूह चीजें हैं और वो नहीं चाहता कि हम काम करें। तो अपने घर में हमें कोई भी ऐसी चीज जो कि जादू की चीज हो या दूसरे मजहब की इबादतों में इस्तेमाल होती है, हम उनको अपने घर में कभी ना लेकर आए। मैंने आपको शायद पिछली दफा ये बात नहीं बताई थी, आपने देखा होगा कि बाज़ लोग घरों के अंदर एक दरवाजे के अंदर एक शाम लगा देते हैं और उसको चिन की आवाज उसकी आती है, ऐसी होती है ना। ये पास्टर साहब थाईलैंड से होकर आए हैं, थाईलैंड के अंदर बड़े बड़े मंदिरों के अंदर लोग बुत बनाते हैं। और इंग्लैंड के अंदर मेरी एक बहन से मुलाकात हुई, वो बुत थी, थाई थी वो, लेकिन वो उसने खुदा यीशु मसीह को कबूल किया, उसने अपने बुत मजहब को छोड़ दिया और वो ईमानदार औरत थी। उसने मुझे ये बात बताई कि जब हम बड़े बड़े बुत बनाते हैं तो हम उसको मंदिरों में रख देते हैं, फिर हम उसके पीछे एक स्लॉट हम बनाते हैं, बुत के पीछे उसकी बैक साइड में एक स्लॉट हम बनाते हैं, और मंदिर के सामने हम वो घंटी लगाते हैं या वो चैम लगाते हैं। वो तो बदरुएं जो हैं वो उस एरिए में घूमती रहती हैं, चलती फिरती रहती हैं, और जैसे ही कोई शख्स जो है वो मंदिर में आकर वो घंटी बजाता है तो उनको पता चलता है कि कोई शख्स आया है, और वो सब भागती हैं और उस स्लॉट के रास्ता से वो बुत के अंदर चली जाती है। और जब वो शख्स आता है और आकर उसके आगे झुकता है तो वो बदरुएं जो है वो उससे सजदा करवाती है। मैंने आपको ये बात बताई थी पिछली बार, याद है आपको, लेकिन ये एक बुत औरत के मुंह से ये बात निकली है और उसने बताया है कि बदरुएं क्या करती है। उसने कहा कि वो इसलिए स्लॉट रखते हैं ताकि बदरुएं उनके अंदर फौरन दाखिल हो सके, और वो जो घंटी होती है वो इस बात की अलामत होती है कि कोई आया है, आप उसे सिग्नल ले सकते हैं। इसीलिए हर मंदिर के अंदर आप देखेंगे घंटी होती है लगी हुई, शुरू में आते हैं तो घंटी बजाते हैं। इब्लीस ने हर चीज बड़ी मैनेज की हुई है बहुत अच्छे तरीके से, हा? किसी को पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है, लेकिन वो जो कुछ कर रहा है उसको पता है कि वो क्या कर रहा है। Yes, God? तो बेशुमार चीजें ऐसी हैं, और मैंने आपको पीछे बताया था कि आपने जैसे घरों में लोग घोड़े का नाल लगा लेते हैं कि ये जी बड़ा मुबारक हमारे लिए, ये बरकत का वसीला है। और आखिरी चंद और चीज़ें आपके साथ में शेयर करता जाऊंगा कि इको पंचर, इको प्रेशर, ये बड़ा अच्छा इलाज है। लोग सुइयों से इलाज करा लेते हैं, सब कुछ करा लेते हैं, लेकिन याद रखें कि ये तमाम जो है ये अलूम इब्लीसी हैं और इनका तल्लुक जो है वो खुदा के साथ और आम चीज़ों के साथ नहीं है। और उसके बाद हैप्नेटिज्म, लोग अपने हैप्नेटिज्म कर लेते हैं, फिर लोगों को एक और होता है कि रूहों को बुलाते हैं लोग, हाँ, एक शख्स को बैठा लेते हैं आगे और उस पर हाजिरी लगाते हैं, हाजिरी कहते हैं चौकी या हाजिरी, उसको हाजिरी लगाते हैं, फिर उस पर बदरुएं आती हैं और फिर वो लोगों को हाल बताते हैं कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, आपका कैसे सॉल्व होगी। और वो कोई लड़की या लड़का या कोई भी हो सकता है जो जो जिसको वो आगे बिठा कर उस पर रूहों को बुलाते हैं। ये खुदा का काम है, ये इब्लीसी काम है, याद रखें। उसके बाद रूहों की सवारी, एक जगह से कहते हैं कि मैं दूसरी जगह पे जा सकता हूँ, मैं रूहें मुझे ले जा सकती हैं, ऐसे जादूगर भी हैं। उसके बाद मार्शल आर्ट, जूडो, कराटे, आपको सब चीज़ें लगती हैं कि ये अच्छी चीज़ें हैं, ये क्या इसमें प्रॉब्लम है, लेकिन ये याद रखें कि एक और चीज़ है जो कि योगा, योगा बड़े शौक से हम कहते हैं योगा जी वर्जिश है, ये तो सिर्फ महज एक एक्सरसाइज है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन याद रखें कि जो योगा है ये बहुत बड़ा एक जादू का सिस्टम है जिसमें आपका जहन जो है वो टोटल का टोटल जो है वो इब्लीस के हाथों में चला जाता है। योगा, मार्शल आर्ट, जूडो, कराटे, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये इसके जिम्मे में आती हैं। और इसके लिए लोगों
जादू मंत्र के लिए लोग जाते हैं, वो उन पर फूंकते हैं, दम करते हैं और फिर इस तरह से धागे आपको दे देते हैं, कोई तावीज़ दे देंगे, आप उसको लेकर आ जाते हैं। उसके बाद जैसे मैंने आपको कहा कि सितारा शिनासी, सितारों का इलम, हाथ देखना, ख़्वाबों का हाल बताना, इल्म नजूम और पानी को तलाश करना, और कुछ लोग जो वो किस्मत का हाल बता देते हैं आपका कि आप किसी अंदर आने वाले दिनों में क्या आपकी ज़िंदगी में हो जाएगा, आपके राज बता देंगे। उसके बाद आपकी तहरीर, आप लिख के कुछ दे दें तो आप बता सकते हैं कि आपका करेक्टर कैसा है, आपका फ्यूचर कैसा होगा, आप क्या करेंगे, सिर्फ आपके लिखने से वो सब कुछ पता कर सकते हैं। उसके बाद आपने देखा होगा कि इंग्लैंड वगैरह में क्रिस्टल बॉल, वो बॉल होता है, उसके अंदर वो आप देख कर आपका पूरा सब हाल बता देंगे कि आप क्या करेंगे, क्या आपकी ज़िंदगी है। उसके अलावा कॉफ़ी आपको देंगे, कॉफ़ी पी लें, उसके बाद कॉफ़ी पीने के बाद कप को उल्टा कर देते हैं और जब वो वापस उतरता है नीचे, कॉफ़ी उतरती है, तो उसके लकीरों को देख कर वो आपका पूरा हाल भी बता सकते हैं कि आपकी क्या ज़िंदगी है। तो ये जादू के अंदर तमाम चीज़ें आती हैं और ये तमाम चीज़ें जो हैं ये खुदा ने मना की हैं, हमें इन किसी भी चीज़ की तरफ जो है हमें नहीं जाना चाहिए। उसके बाद कब्रों पर जाकर औलाद मांगना, बाज़ लोग जो होते हैं वो कब्रों पर इसलिए जाते हैं कि उनको औलाद मिल जाए, उनको बच्चे मिल जाएँ, और मन्नतें मांगना, मैंने आपको पिछले बार बताई थी कि बाज़ लोग जो है वो मन्नतें मांगते हैं। फिर हमारे पाकिस्तान में एक और प्रॉब्लम है, क्रिश्चियन लोग, मसीह लोग, मैंने उनको देखा है कि वो अपनी भैंसों का दूध जो है वो एक ग्यारहवीं वाले के नाम पर देते हैं, पता है आपको कि नहीं। इस किस्म की सारी हरकतें जो हैं वो हमारे लिए मुसीबत का बायस है। हम मसीह हैं, हम कहलाते मसीह हैं, लेकिन कोई मसीहों वाला काम नहीं है, सारे काम उल्टे हैं, और फिर मुसीबत पे मुसीबत, मुसीबत पे मुसीबत, और कहना कि कोई समझ नहीं आती कि ये हो क्यों रहा है, ये हमारे साथ ये क्यों हो रहा है, ये ऐसा वैसा। आप खुदा के साथ अगर ठीक चलेंगे तो याद रखें कि खुदा जो है वो आपको कभी छोड़ता नहीं है, बरकत पे बरकत देता चाहिए। खुदा जो है वो कोई छोटी मोटी कोई चीज़ नहीं है, इस पूरी कायनात का को बनाने वाला, खलक करने वाला और कंट्रोल करने वाला खुदा है, लेकिन वो टेस्ट करता है। याद रखें कि ये तमाम चीज़ें जितनी हैं ये ईमानदारों का टेस्ट है। इबलीस कोई ताकतवर चीज़ नहीं है कि वो सब कुछ कर सकता है और खुदा से वो बड़ा है, नहीं, खुदा ने उसको इसलिए रखा है ताकि वो मुझको और आपको वो टेस्ट कर सके कि हम कितने वफादार हैं उसके साथ। अगर ये चीज़ें ना हो तो कभी भी हमको टेस्ट नहीं कर सकता। तो ये चीज़ें हमें किसी भी तरीके से करने की हमें ज़रूरत नहीं है, टाइम जो है वो खत्म होता जा रहा है। और आखिरी एक दो चीज़ें आपको बताकर जो है मैं बंद करूँगा, और इसके बाद कब्रों पर जाकर मत्थे टेकना और रूहों के साथ तल्लक, जिन्नाशना और दूसरों के खिलाफ, जैसे मैंने बोला कि कोई जादू करा के किसी के ऊपर जादू करवा देना कि जी फलाह है वो मुझे तंग करता है, और खानदानों के खानदान एक दूसरे पर जादू करवाते हैं, आपको पता है, सास बहू पे करवा देती है, बहू सास पे करवा देती है, बहन भाई पे करवा देता है जादू, है या नहीं ऐसा। मैं आपको बिल्कुल ठीक कर रहा हूं क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने लोगों से मिला हूं जिन्होंने मुझे बताया है। तो क्यों हम मसीह लोग किस चक्र में फंसे हुए हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं हम लोग। तो ये तमाम चीजें याद रखें कि ये बहुत बड़ी लानत का सबब है और ये लानत लेकर आती हैं। अगर हम इन चीजों से दूर हो जाएं तो फिर खुदा जो है वो हमको बरकत पे बरकत दे सकता है। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि कोई भी तस्वीर, बुत मूर्त बनाकर उसे घर में रखना ये गैर कौमों के लिए है, और इसके लिए हमें ज़रूरी बात है कि हम इससे बच कर रहे हैं। अगली दफ़ा में हम देखेंगे कि आखिरी वाला पढ़ेंगे उसके बाद बंद करेंगे, मेरे साथ देखें गलतियों का खत, उसका पहला बाब, और इसकी सिर्फ जी हम 8, 9 और 10 याद पढ़ेंगे और बंद करेंगे इसके बाद। गलतियों पहला बाब, उसकी 8वीं 9वीं 10वीं याद। लेकिन अगर हम या आसमान का कोई फरिश्ता भी उस खुशखबरी के सिवा जो हमने तुम्हें सुनाई कोई और खुशखबरी तुम्हें सुनाए तो मलाउन हो। जैसा हम पेशतर कह चुके हैं वैसा ही अब मैं फिर कहता हूँ कि उस खुशखबरी के सिवा जो तुमने कबूल की थी, अगर कोई तुम्हें और खुशखबरी सुनाता है तो मलाउन हो।
अब मैं आदमियों को दोस्त बनाता हूँ या खुदा को? क्या आदमियों को खुश करना चाहता हूँ? अगर अब तक आदमियों को खुश करता रहता तो मसीह का बंदा ना होता। बस तो यहाँ पे अगली दफा जो है हम देखेंगे कि कौन से मसीही फिरके जो कि और तरह की गॉस्पल जो है वो दे रहे हैं। बाइबल के अंदर जो गॉस्पल है, बाइबल के अंदर जो खुशखबरी है, बाइबल के अंदर जो इंजील दी गई है, उससे हटकर कोई और इंजील सुनाना जो है वो बहुत बड़ा लानत का सबब है। और हमें किस तरह से बचना चाहिए कि हर तालीम जो है वो याद रखें, उसको परखने का तरीका हमारे पास खुदा का कलाम है। अगर इस तालीम से हटकर कोई और तालीम देता है, रसूल कहता है अगर आसमान से फरिश्ता भी आ जाए और वो कहे कि ये तालीम ठीक है तो मत कबूल करो, हमारे पास खुदा का कलाम है, इसके अंदर जो कुछ लिखा है वो आखिरी तालीम है और हमें उस पर चलना चाहिए। जो इससे हटकर कोई और तालीम देता है वो मलाउन को लानती है, जो इससे ऑटोमेटिकली मलाउन जो है वो यहां पे याद का बताता चुके हैं। लानत और मलाउन दो डिफरेंट लफ्ज है। लानत जो है वो डिफरेंट मायने रखती है, लेकिन मलाउन का मतलब है कि वो खुदा से उसका राबता खत्म हो जाता है, खुदा से कट जाता है। मलाउन का मतलब है कट जाना, अलहदा हो जाना और खुदा उससे बिल्कुल दूर हो जाता है। खुदा की कोई बरकत, कोई उसका सिलसिला खुदा के साथ नहीं रह जाता है। अगर कोई और तरह की गॉस्पल सुनाता है तो वो क्या हो? मलाउन हो। हम पूरी बाइबल में देखेंगे कि जहां जहां भी लिखा गया है कि अगर कोई शख्स ये करे तो वो मलाउन हो, अगर ये करे तो वो मलाउन हो, हम थ्रूट बाइबल में देखेंगे कि वो लोग किस तरह से खुदा से अलहदा हो जाते हैं और इबलीसी कब्जे में चले जाते हैं। खुदा हम दाखिल।